राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला दो दिवसीय सिरमौर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने नाहन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीसी सिरमौर सुमित खिमता सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी का राज्य है और केंद्र सरकार के पैसों का इस्तेमाल होता है, इसलिए केंद्रीय योजनाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यहां ग्रामीण सड़क योजना, टीबी उन्मूलन, प्राकृतिक खेती पर अच्छा कार्य किया जा रहा है और अधिकारी एक दूसरे विभागों के साथ मिलकर बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती के भीतर हिमाचल प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में देश भर के लिए प्राकृतिक खेती में हिमाचल मॉडल के रूप में काम करेगा। राज्यपाल ने ये भी कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जो कि चिंताजनक है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जिसमें समाज के हर वर्ग को सहयोग की जरूरत है। देखिए, सामान्य तौर पर जो चर्चाएं हुई हैं वह चूँकि ये पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में, तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं को सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, चाहे नशे से के मुक्ति का वो हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सबकी हमने उस पर चर्चा किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती भी आ गई है, हॉर्टिकल्चर का भी आ गया है। तो लगभग 1.5 घंटे तक तो उस प्रकार की चर्चा हुई और अभी इंडस्ट्री के लोगों से भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि हिमाचल के अधिकारीगण भी अच्छी तरह से मिल करके काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा और अप्रोच की आवश्यकता है, प्रॉपर अप्रोच की आवश्यकता है, जिसको वो करेंगे तो मैं ये मान करके चलता हूं कि यहां प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग का भी काम अच्छी तरह से हो रहा है। और जो देश के प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती की चर्चा हिमाचल की करते हैं, उसकी क्या स्थिति रही है, तो उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है और मैं समझ रहा हूं कि हिमाचल वह राज्य बनेगा जो प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे भारत में दे सके। मैं आपसे ज़रूर इस बात का आग्रह करूंगा कि देवभूमि पवित्रता के नाते जानी जाती है और हिमाचल इस समय यूथ से लेकर के और थोड़ा ऊपर तक के लिए नशे में अपने को लिप्त करता चला जा रहा है। मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा कि उन लोगों को प्रेरित करें कि वो नशा मुक्त हो और हिमाचल देवभूमि ही बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमआई न्यूज़ हिमाचल। एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, इट एंडेवर्स टू फास्टन एंड डेवलप इन चिल्ड्रन द हैबिट टू थिंक क्लियरली एंड इंडिपेंडेंटली एंड द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इफेक्टिवली। कम विद मी where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur, near Dabdal, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स।
सबसे सस्ता सबसे अच्छा डिफेंस रोड ममूल पठानकोट कॉन्टैक्ट 9614196141